हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं? सबको जय हिंद, जय हिंद। स्मार्टी बागरी कह रहे सर आने वाले हैं। सर कब आएंगे? टाइम तो हो गया बेटा, कितना भी लेट हो मैं 10:20 तक तो आ ही जाता हूँ लाइव, राइट है कि नहीं? सबको मेरी आवाज़ आ रही है? सबको मेरी आवाज़ आ रही है राइट? आज थोड़ा सा गया था कार लाने, और उसके बाद आया तो सो गया। घर में तो कोई है नहीं जो हमें उठाएगी, फिर खुद से उठने में थोड़ा टाइम लग गया, राइट ओके। सभी लोग सेशंस को लाइक कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए। मेरे प्यारे फ्यूचर आईएएस ऑफिसर, आप लोगों का ही आना तो मेरे लिए एक शक्ति है, राइट। रियली जो आप लोगों का जो इस बार जो प्यार मिल रहा है इसी सेट को लेकर के, राइट है ना, वाकई में ये अपने आप में बहुत बड़ा सराहनीय है, राइट। रियली इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट, राइट। एंड माय डियर फ्रेंड्स, मेरा चश्मा कहाँ है? चश्मा, थोड़ा चश्मा लगा लूँ ताकि दिखने में अच्छा लगे, हैं? नहीं, इंग्लिश की तैयारी कैसे करें? इंग्लिश की तैयारी कैसे करें? चुपचाप द हिंदू ले के पढ़ना शुरू कर दो, तुम्हारे लोगों के लिए ही तो पढ़ना शुरू किया है यार, अच्छे तरीके से ओके। कि तुमको, क्योंकि देखो अब जो लास्ट 2 ईयर्स का जो पैटर्न है ना यूपीएससी का, राइट है ना, जो अंतिम 2 साल का जो पैटर्न है, राइट है ना, ये कम्प्लीटली ऐसा बता रहा है कि अब टीचर्स को जो है ना पहले के कंपैरिजन में खुद को पहले पढ़ना होगा, राइट। खुद को पहले पढ़ना पड़ेगा, राइट, तभी वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। समझ में आ रही बात, राइट? क्योंकि अब वो टाइम चला गया कि चलो भाई जो था जैसे वैसे पढ़ा दिया जाता था, अब वो ऐसा नहीं है, राइट है ना, राइट है ना। अब आपको हर हाल में जो है आपको टीचर को भी मेहनत करने पड़ेंगे कंटेंट के पीछे, राइट। क्योंकि जिस तरीके से यूपीएससी का जो पैटर्न चेंज हुआ है ओके, सभी को बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम, राइट। सर रेकरिंग नहीं पढ़ाए आप? ओहो, रेकरिंग डिजिट सभी पढ़ाता हूँ, वही टॉपिक तो पढ़ाने आया हूँ मयंक झा, वही टॉपिक तो आज पढ़ाऊँगा। भाई देखो, सुनो सभी लोग ध्यान से, देखो अब जो आपका जो सेशन जो होने वाला है, ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, राइट। चाहे आपका रेकरिंग हो गया या चाहे आपका डिविजिबिलिटी रूल हो गया, चाहे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, राइट, लेक्चर अगर आपने लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 और लेक्चर 4 देखा होगा, तो यहाँ पर मैंने टॉपिक्स मैंने आपके सामने बहुत अच्छे से मैंने डिसाइड किया था, दिखाया था, राइट। तो वो चीज़ें आपके लिए अब टाइम आ चुका है जिसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, राइट है ना, और आपको फोकस करना है। तो आइए एक बार फिर से स्वागत है अन अकेडमी से। हर एक 3 सिलेक्शन में एक बच्चा जो है वो हमारा ही है, ठीक है ना। तो आप भी ज्वाइन हो सकते हैं अन अकेडमी से, आप भी प्रिपेयर कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है, इस कोड को यूज करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अन अकेडमी पे कोई भी कोर्स ले, किसी भी कैटेगरी में ले, तो आप इस कोड को यूज करके आप ज्वाइन कर सकते हो ओके। ताकि व्हेन यू विल यूज दिस रेफरल कोड एस KS10, डेफिनेटली यू विल गेट अ पर्सनल टच एंड पर्सनल गाइडेंस। सभी लोग सेशंस को लाइक करो और शेयर करो, ठीक है। बाकी आपके लिए ऑफर है, राइट, 23 जून ध्यान रखिएगा है लास्ट है। अगर आप इंटरव्यू तक पहुँच जाते तो अनअकैडमी आपको फी रिफंड कर देती है। मेंस देर है उसका आरंभ बैच, लक्ष्य बैच, राइट है ना, और उसके बाद आप अगर एक साथ पे नहीं कर सकते तो आप मंथली अगर आप पे कर सकते हैं, राइट है ना, आप किस्तों में पैसा पे कर सकते। देखो भाई एक बात और बताता हूँ, बस आपको इस वाले कोड को यूज करना है SKS10। अगर आप यहाँ दिल्ली में अगर आओगे ऑफलाइन में, देखो ऑफलाइन की बात बता रहा हूँ, यहाँ पर केवल और केवल ऑप्शनल की जो फ़ी है वो आपका 50,000 से लेकर 70,000 तक है, राइट। मैं खुद ऑफलाइन में CSET का 42,000 तक लेता हूँ, ठीक है, लेकिन सब कुछ आपको यहाँ पे मिनिमम से मिनिमम प्राइस में है ना, 40,000, 45,000, 50,000 में आपको सारा कोर्स मिल जाता है।
जब आप इस कोड को यूज करते हैं प्रीलिम्स की कंप्लीट तैयारी, मेंस की, इंटरव्यू की, ऑप्शनल की, विथ सी सेट, विथ ऑप्शनल कॉम्बो सब्सक्रिप्शन, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो ऑप्शनल क्या है एक बार अपना अपना ऑप्शनल बताओ, आप किस स्टेट से हैं वो बताइए, राइट है ना। अब आप किस स्टेट से हैं वो बताइए, राइट है ना। ठीक है, मार्कर देखो टूट जाएगा यार, मार्कर टूट जाएगा। आप किस स्टेट से, चलिए शुरुआत करता हूँ, राइट है ना। सर एमसीक्यू टेलीग्राम के आंसर लिस्ट बता दीजिए, एमसीक्यू टेलीग्राम का आंसर, एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं ना टेलीग्राम में, एमसीक्यू तो आता है ना टेलीग्राम में, राइट। एमसीक्यू तो आता है ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम एमपी। सॉरी सर कल टेस्ट नहीं दे पाया, गलत बात है, कल टेस्ट नहीं हो पाया क्योंकि कल सिस्टम जो है ना वो हो गया। अब टेस्ट जो है ना फिर से आपका सैटरडे या संडे को होगा, ठीक है। आज पढ़ाऊंगा, है ना, आज पढ़ाने के मूड में हूँ, ठीक है, आज पढ़ाऊंगा भाई, पढ़ाना पड़ेगा, राइट है ना। देखो भाई, ये दिस सेशन इज गोइंग टू प्रेजेंटेड बाय मी, यू कैन सी हियर अबाउट मी, मेरा नाम संजय कुमार शाह है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु कॉल मी एसएसएम सर, आई एम पास आउट फ्रॉम आईआईटी दिल्ली एंड आई हैव 9 ईयर्स ऑफ द टीचिंग एक्सपीरियंस, राइट, एंड द एक्स फैकल्टी ऑफ लगभग दिल्ली के सभी कोचिंग सेंटर्स में पढ़ा चुका हूँ। लास्ट 4 साल से अधिक से अन अकेडमी के साथ एसोसिएटेड हूँ, वन ऑफ द टॉप एंड वेरीफाइड एजुकेटर ऑन अन अकेडमी, राइट। 1 लाख से अधिक बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, राइट। 700 से अधिक बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं, राइट। चलिए शुरुआत करते हैं, राइट, ओके। अरे ये क्या कुछ हो गया क्या, कुछ हो गया क्या, चलिए एक सेकंड, कितने कॉन्सेप्ट मैं अब तक आपका करा चुका हूँ, राइट। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आता जा रहा है, राइट, धीरे धीरे आपके लिए इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आते जा रहे हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो देखो लेक्चर नंबर कितना है, लेक्चर नंबर 17 है, ठीक है, लेक्चर 17 है, ठीक है। कल से ईपीएफओ की भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ये बात पता चला कि नहीं चला आपको, ये बात आपको पता चला कि नहीं चला, राइट, ये बात आप सभी को पता चला कि नहीं चला, राइट। कल से ईपीएफओ की भी सेशन स्टार्ट हो रही है, राइट, कल से ईपीएफओ का भी सेशन, एक सेकंड, कल से ईपीएफओ का भी सेशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। देखो भाई आज का जो लेक्चर है रिकरिंग नंबर, यहाँ से भी यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ चुकी है, आने वाले टाइम में इससे और क्वेश्चन पूछने के पॉसिबिलिटी है, राइट। सबसे पहली बात, रेकरिंग का मतलब क्या है, रेकरिंग का मतलब रिपीट, रिपीटिंग या रिपीट, या रिपीट, राइट। इसको समझने से पहले मैं थोड़ी देर के लिए मैं आपको ये समझाना पाता हूँ, जैसे 0.1 है तो 0.1 है तो 1/10 लिखेंगे क्योंकि पॉइंट हटेगा नीचे एक जीरो आएगा, अगर 0.10 है तो ये 10/100 होगा, ये बात समझ में आ रही होगी। अगर ये 0.11111 ऐसे ऐसे हैं तो हम इसको क्या लिखेंगे, 0.11 रिपीटेशन है तो 1 के ऊपर बार लिखेंगे, अगर 0.10101010 ऐसा ऐसा रिपीटेशन है तो 0.10 के ऊपर कंप्लीट बार लिखेंगे। इस पॉइंट्स को आप अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करें, ओके, यस या राइट। अगर 0.101101101 राइट, 101101, ठीक है, ये आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसको छोड़, राइट, ओके। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर 0.23 अगर 5 लिखा है इसको क्या लिखोगे, 0.23 5 5 5
5555 तो क्या लिखोगे? आराम से समझो, आराम से। सबके पास नोटबुक है सर? बैकग्राउंड ब्लैक कीजिए ना, राइट सर। स्टडी क्रिएटर सर, टाइम बता दो सर। सर आई एम फ्रॉम ईस्ट चंपारण बिहार। ओके 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 सर, आई एम ईस्ट। देखो भाई, कल से EPFO का क्लास स्टार्ट हो रहा है, कल से EPFO की क्लास स्टार्ट हो चुका है। आपको नोटिफिकेशन मिल गया होगा एट 12 PM, राइट। इसके लिए मैं आपका केवल आपको 10 सेशन लेने वाला हूँ, जो आपके लिए अपने आप में बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा, राइट। देखो इसको आप कैसे लिखो, इसको लिखोगे आप 235, कोई बार बार नहीं है, डिवाइड बाई 1000, राइट। लेकिन यहाँ पर रिपीट क्या कर रहा है, यहाँ पर रिपीट कर रहा है आपका 5, यहाँ पर रिपीट क्या कर रहा है आपका 5। तो आप कैसे लिखोगे, 0.235 के ऊपर बार, ओनली 5 के ऊपर बार। जो रिपीट करेगा आप उसको वैसे लिखेंगे, आई होप, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। आई होप, मुझे लग रहा है कि सर सभी बच्चे सेशन, सर ये क्लास फ्री में हो रही है क्या? K2 रंजन, ऑब्वियसली दिस क्लास इज गोइंग टू बिल्कुल फ्री। आराम से समझो, आराम से, राइट। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, राइट, अब देखो जो मैं आपको अप्रोच दे रहा हूँ, राइट, है ना, जो मैं आपको SSM फंडा दे रहा हूँ, राइट, इस फंडे को सोचिए, राइट, है ना, यही चीज़ आपके दिमाग में जाएगी। जो मैं आपको SSM फंडा दे रहा हूँ वो क्या, देखो, जैसे कि मान लो आज क्लास 11:30 अभी फ्री में है अनअकैडमी के ऐप पे भी, अभी 11:30 PM में अनअकैडमी के ऐप पे भी फ्री में क्लास है, राइट। ध्यान से समझो, मैं कह रहा हूँ जितना बार होगा, बार जितने डिजिट पे होंगे, सुनो, बार जितने डिजिट पे होंगे उतने ही 9 लिखा जाएगा। बार जितना डिजिट के ऊपर होगा उतना ही 9 लिखा जाएगा, जितना डिजिट पे होगा उतना ही बार लिखा जाएगा। इस पॉइंट्स को आप अच्छे तरीके से समझिएगा, राइट। देखो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाह रहा हूँ, देखो मेरे प्यारे बच्चे, जैसे 0.1 के ऊपर बार है तो इसका आंसर 1/4 में, एक डिजिट के ऊपर बार है तो 1.9, राइट। 0.2 के ऊपर बार है तो कितना आएगा, 2/9। 0.3 के ऊपर बार है तो 0.3 के ऊपर बार है तो कितना आएगा आपका, 3/9। आराम से समझो, मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में 0.4 के ऊपर बार का मतलब क्या होगा, 0.5 के ऊपर बार का मतलब क्या होगा, 0.6 के ऊपर बार का मतलब क्या होगा, 0.77777 ऊपर इक्वल टू कितना आएगा, राइट। 0.8 के ऊपर बार का मतलब क्या आएगा, 0.9 के ऊपर बार का मतलब क्या होगा। आराम से करो, सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, सर 12 बजे नाइट में सर क्लास, सर 2023 के पेपर ने तो वाट लगा दिया, 1984 बेटा, तभी तो क्लास आपको करा रहा हूँ। सर अनअकैडमी पर कैसे ज्वाइन करते हैं, आज समझ में आ जाएगा। मेरा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन किया आपने, CSAT बाय संजय कुमार सर, आपने मेरा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन किया, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लो, CSAT बाय संजय कुमार सर, राइट, है ना। अगर जीवन में CSAT को करना है क्वालिफाई, राइट, करना है क्वालिफाई, तो आपको मेरे क्लास के साथ करना पड़ेगा जस्टिफाई, तो आपको मेरे क्लास के साथ करना पड़ेगा जस्टिफाई। बारिश क्यों नहीं हो रही है, हैं? तुम लोग भगवान से थोड़ा दुआ करो कि बारिश हो जाए, हैं? हाँ, आप लोग भगवान से दुआ करिए कि बारिश हो जाएगा, राइट, बारिश हो जाएगा, राइट, है ना। तो 0.9 के बार को हम यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं, हम इसको 8/9 भी लिख सकते हैं, राइट, ओके। ये मेरी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी, राइट, है ना, इसको समझ में आ गई होगी। मैं नेक्स्ट पेज पे लेके आता हूँ, राइट, मैं सबका आंसर देख रहा हूँ। 0.10 के ऊपर कंप्लीट बार है तो भाई 10 आएगा, 10 में कितने डिजिट है, 1 और 0, 2 डिजिट्स है, तो नीचे 2999। 0.13 के ऊपर बार है तो 13/99, राइट। 0.67 के ऊपर बार है तो 67/9। भाई एक भी डाउट नहीं होगा अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पेशेंस के साथ पढ़ो सर। कॉम्प्रीहेंशंस के लिए कोई बुक बता दो प्लीज़ भाई, बच्चे तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, कोई बुक के चक्कर मत रहो, कोई कंपनी के नोट्स के ऊपर मत जाओ, राइट, है ना। 0.80 के ऊपर बार होगा तो 80/99 होगा, राइट। 0.99 के ऊपर बार है, अब बताओ क्या आएगा। 0.12 के ऊपर बार है, अब बताओ क्या होगा, राइट।
0.60 के ऊपर बार है, अब बताओ क्या होगा। 0.47 के ऊपर बार है, अब बताओ क्या होगा। 0.23 के ऊपर बार है, बताओ कितना आएगा। 0.69 के ऊपर बार है, बताओ कितना आएगा। 0.100 के ऊपर बार है, अब बताओ क्या आएगा। आराम से सोचो, आराम से भाई, कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। सपना मोढ़ीवाल, सिमरन, खुशी अग्रवाल, वैभव, इन सभी बच्चों को मेरा टेलीग्राम चैनल है, राइट। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो अभी ज्वाइन कर लीजिए। सी सैट स्पेस बाई स्पेस संजय स्पेस कुमार SHAH, संजय कुमार सा, सी सैट बाई संजय कुमार सा, अभी ज्वाइन कर लीजिए। जो चीज़ जैसे पढ़ाया जाएगा, कोशिश किया जाएगा इन चीज़ों को वैसे ही आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाए। सर कट कर रहा है, सर कट करेगा तो कट कर सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। सिंपलीफाई तो हमारी जवानी में फरा हुआ है, राइट। हम सिंपली हाईवाई तो कर ही सकते। एक बार सभी लोग सेशंस को लाइक करिए, एक बार सभी लोग सेशंस को लाइक करो। शीतल चौधरी, श्रीकांत, श्रीकांत कन्वर, तुमने ही आज फ़ोन किया था क्या मेरे को? तन्या ठाकुर, श्रीकांत कन्वर, तुमने मेरे को फ़ोन किया था, बताओ। ये महा ढोको लोलो लड़का है, ऐसी ऐसी बातें हैं, ये फ़ोन करके बोल रहा है मेरे को आज शाम को फ़ोन करके। देखो कैसे फ़ोन किया, बताता हूँ। सर गुरु जी, मेरी शादी नहीं हो रही है, कोई लड़की हो तो सर मेरी शादी करा दो, मैं पैसे दे दूँगा। तो पढ़ क्यों रहा है? सर इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मेरी शादी हो जाए, बताओ। इस ढोको लोलो को समझाओ जरा को यहाँ पर। देखो लिखा भी है, जी सर जी। अब फ़ोन करने के बाद पता नहीं किस लड़की के साथ बिजी हो गया ये। बेटा तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, नहीं तो बीवी तुमको लात से लतियाएगी। बीवी तुमको, आजकल की बीवी बहुत ख़तरनाक बीवी आ रही है, पता है तुमको? आजकल की बीवी का जो डीएनए है ना, बड़ा ख़तरनाक बीवी आ रही है, राइट। तभी तो मैं आज तक ऐसे ही रह रहा हूँ, ठीक है। पता चले कोई आए लतिया दे, हैं क्या बोलूँगा है समाज में। इसलिए पढ़ाई करो चुपचाप, राइट, पढ़ाई करो, नहीं तो अच्छे से लतियाएगी। वरना शनि भाभी को देख के खुश रहा करो, शनि भाभी को देख के खुश रहा करो, ठीक है। इधर देखो 100 के ऊपर बार है तो कितने, 3 है तो 100/999, ये इसका आंसर आया सबका। चलो इसका फिर से बताओ। 0.235 के ऊपर बार, 0.453 के ऊपर बार, 0.1231 के ऊपर बार, 0.15798 के ऊपर कंप्लीट बार। आराम से बताओ, आराम से बताओ, आराम से बताओ। तान्या ठाकुर, नेहा कुशवाहा, कोयल चक्रवर्ती, सिमरन, खुशी अग्रवाल, स्मृति अग्रवाल, वेरी गुड। सपना मोढ़ावाल, राहुल राठौर, अंशिका, दिलीप कुमार, राइट राइट राइट। सी सेट पढ़ाना भूल जाओगे सर अगर आप शादी कर लोगे तो, वही तो। कोई बात नहीं ढोको लो, तुम सेशंस को लाइक करो, ओके। सर योर क्लासेस आर अमेजिंग, करीना कुरेशी अभी बहुत दिनों बाद दिखने में आई हो, राइट। सेशंस को तुम लोग लाइक वाइक नहीं करोगे ना? सेशंस को मेरे बच्चा लाइक कर दो, मेरा सोना, मेरा धनिया, मेरा पुदीना, सेशंस को लाइक करते चलिए, राइट। आपका ही प्यार तो हमारे लिए हमें एनर्जी लेके आता है, पता है। मैं नहीं चाहता हूं कि आज मैं नहीं पढ़ाऊं, लेकिन फिर मैं सोचता हूं यार वो 300-400 बच्चे जो क्लास में आते हैं पढ़ने के लिए, फिर वो मुझे कितनी गालियां देंगे। नहीं यार, सर के लाइव क्लास की वजह से मैंने खाना नहीं खाया, सर के लाइव क्लास की वजह से मैं कहीं घर से बाहर नहीं जा रहा हूँ, सर की लाइव क्लास के चक्कर में पता नहीं मैंने क्या क्या टाइम को मैंने मैनेज किया। यस यार, देखो मेरे बच्चे, कभी भी अगर मुझे आपकी छुट्टी देनी होगी ना, कभी भी मुझे आपका ऑफ देना होगा, ठीक है ना, तो मैं आपको एटलीस्ट 3-4 दिन पहले बता दूंगा, राइट, कि भाई इतने तारीख को मैं क्लास नहीं लूँगा, इतने डेट को मैं क्लास नहीं। अभी देखो अभी बता रहा हूँ, नेक्स्ट मंथ में 2 या 3 को मैं क्लास नहीं लूँगा, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में मैं थोड़ा देहरादून जाऊँगा, ठीक है, देहरादून जाना है, ठीक है, इसलिए नेक्स्ट मंथ में, ठीक है ना। अभी सर ऑलरेडी सर 4 डिजिट को कैसे करेंगे? बेटा कुछ नहीं करना, अभी देखो ना ये 4 डिजिट है तो 1 2 3 1, चारों पर बात, 1 2 3 4, सो सिंपल, 1 2 3 4 5, 1 5 7 9 8, 1 2 3 4 5 बार हो गया, राइट। अभी आपको टेंशन नहीं लेना, कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है 0.235 के ऊपर सिंपल बार है और के ऊपर बार नहीं है, 0.14
0.4 के ऊपर बार हो सकता है, 0.14232 ओनली 32 के ऊपर बार, ऐसे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। और यूपीएससी ने यहाँ से ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं, आपको फरफराने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आप सभी को बताता हूँ, अगर आपके पास ऐसा होगा तो आप लोग बड़े ही प्यार से आराम से कर लेंगे, ठीक है। अभी आप ध्यान से समझते चलिए, राइट भाई मेरे प्यारे बच्चे, कभी पर ऐसा भी तो क्वेश्चंस हो सकता है, जैसे कैसे, जैसे कि 1.1 के ऊपर बार, राइट, 1.23 के ऊपर बार, राइट, 1.356 के ऊपर बार, देखो ऐसा क्वेश्चन हो तो अब देखो ध्यान से क्या करोगे, देखो ध्यान से क्या करोगे, ध्यान से देखो क्या करोगे, जैसे जैसे देखो मैं एक बात बताता हूँ, जैसे 5/2 लिखा है, 5/2 लिखा है, जब 2 से अगर आप 5 में डिवाइड करते हो तो 2 2 जा 4 1, 2 2 5 जा 10, तो क्या लिखते हो इसको आप 2.5 लिखते हो, लिखते 2.5, इस 2.5 को आप ऐसे भी सकते हो 2 + 5/10 भी लिख सकते हो, 2 + 5/10 भी लिख सकते हो, 2 की जगह 5 भी लिख सकते हो। देखो आप कैसे कैसे, मैं आपके थॉट प्रोसेस को चेंज कर रहा हूँ, 5 1 जा 5, 5 2 जाए, एंड 2 + 1/2 करोगे तो 2 2 जा 2 2 जा 4, 4 + 1 5/2, आप ऐसे देखो उल्टा ऐसे आ गया। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर, देखो ध्यान से मेरे बच्चे, मेरे क्लास को ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, मैं क्या कह रहा हूँ, व्हाट आई एम टेलिंग यू, व्हाट आई एम राइटिंग हियर, राइट, एंड हाउ आई वॉन्ट टू चेंज योर थॉट प्रोसेस इन सी सैट, राइट, इज इट क्लियर, सो हाउ, प्लीज सेशंस को लाइक और शेयर जरूर करें, मेरे सारे फ्यूचर आई एस ऑफिसर, राइट, आज भी मेरे बच्चे 400 प्लस क्रॉस कर चुके हैं, राइट, वेरी गुड वेरी गुड, सभी लोग सेशंस को ऐसे ही लाइक करते चलिए। तो इसको देखो मैंने क्या रखा, 5/2 को 2.5, इस पॉइंट के जगह हमने क्या किया, प्लस लिख दिया, तो वैसे ही मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे 1 है तो 1 + 1/9, तो 9 1 जा 1 × 9 + 1/9, तो 9 + 1 10/9, आराम से समझो, जैसे 1.23 है तो 1 + 23/99, राइट, 99 × 1 + 23/99, राइट, 9 3 12 9 2 11 और 1 12/99, ओके, ये बात समझ में आ रही है, इसको आप लिखेंगे 1 + 356/999, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ओके, ध्यान से देखो 2.4 के ऊपर बार, 2 + 4/9, 9 2 = 18 + 4 = 22/9, राइट, 1.56 के ऊपर कंप्लीट बार, 1 + 56/99, इसको आप सॉल्व करेंगे 99 × 1 + 56/99, 9 6 15 9 14 1 15, 155/99, कैंसिल भी कर सकते हो, 3 से नहीं कैंसिल होगा, राइट, 11 से होगा ना, 11 से भी नहीं होगा, जिससे भी कैंसिल होगा आप इसको कैंसिल करके आप एग्जैक्टली आप राइट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको अभी तक ये बात समझ में आ रही है प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन SKS10, अगर नहीं आ रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में SP शाह कोड को रिप्लाई करें। कमॉन मेरे प्यारे फ्यूचर आई एस ऑफिसर, सर मैं आपका CSAT बैच लेना चाहता हूँ, ले लो शगुन प्रसाद, बिल्कुल ले सकते हैं, डॉक्टर दिलखुश मीना IAS 2025 चक्की, दिलखुश मीना क्या हालचाल है, राइट, सर चक्की चला के आई हूँ सर, इसलिए थोड़ा कम समझ में आता है, ठीक है, तुम आज चक्की चलाए हो अच्छी बात है, कल तुम पूरा देश चलाओगे, ठीक है, और कोई दिक्कत, रिचा कौशिक है क्लास में, नेहा कितने दिन जाएंगे सर, सनोज सोनी कहाँ जाना है, छावी खंडेलवाल SP शाह लिख रही है, राइट, वेरी गुड वेरी गुड, इमरान खान भी SP शाह लिख रहा है, बच्चा कहाँ जाना है, कितने दिन के लिए, कहाँ, सेशंस को सभी लोग लाइक और शेयर जरूर करते चले, ढोको लो लो, राइट, ओके, है सेशन सर मस्त हंसी आ रही, तुम हंसने में अपनी जवानी को बर्बाद कर दो, ठीक है, ढोको लो लो, पढ़ाई पे तो तुम ध्यान दोगे नहीं, राइट, है ना, कंप्लीट आंसर बताना, राइट, कंप्लीट आंसर बताना, 3.10 के ऊपर बार, राइट, 5.111 के ऊपर कंप्लीट बार, तीन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करके फाइनल आंसर दीजिए, राइट, फाइनल आंसर दीजिए,
देहरादून जुलाई में, वो देहरादून तो जाना पड़ेगा, बहुत टाइम हो गया देहरादून गए हुए, ओके बहुत टाइम हो गया देहरादून गए हुए, ओके दोनों क्वेश्चन सॉल्व करो तो यहाँ से किस किस तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे ना वो मैं सारा बताऊंगा अभी, ठीक है। देखो अभी 11:30 में क्लास है राइट, अनअकैडमी कैप पे। सर आपका हेयर स्टाइल बहुत ही अच्छा है, ओके राकेश रंजन, राकेश रंजन फ्रॉम विच प्लेस यू आर, यू राकेश रंजन फ्रॉम विच प्लेस यू आर। अंकित सिंह नेगी मिंडल देहरादून, सर 1.53 ओनली 3 के ऊपर बार होने से क्या होगा? भाई बताऊंगा यार, अभी मैंने भाई मैं पढ़ाने दो मुझे, ठीक है ना, पढ़ाने दो अभी, है ना। जब मैं बोल दूँ ना कि भाई अब तुमको डाउट पूछना है पूछो, मैंने ये तो नहीं बोला कि भाई मैंने फिनिश कर दिया। अगर मेरे मुंह से जब मैं फिनिश वर्ड यूज करूँ राइट, तब मुझसे पूछना, मैं वो सब पे आऊँगा, धीरे धीरे आऊँगा ना सर। एक बार मैं तो सर क्या खा रहे हो अकेले अकेले? श्रेष्ठा वो एक्चुअली दही था, ठीक है, तो इसलिए खा रहा था आज। UPSC वाला 307/99, वेरी गुड। प्राची गुप्ता, डेली क्लास अटेंड करूँगा सर, करना पड़ेगा ना, डेली क्लास अटेंड नहीं करोगे तो क्या करोगे? शादी नहीं होगी डेली क्लास अटेंड नहीं करोगे क्लास तो, राइट। डेली क्लास अटेंड नहीं करोगे तो शादी नहीं होगी, ये ध्यान रखना राइट। अटेंड करो डेली क्लास, ठीक है भाई। देखो इसका आंसर बताओ, आंसर क्या आएगा? सपना आंसर दे रही है सर, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड। अतनु डाइगर, करीना कुरैशी, श्रेया वर्मा, इंडिया बफरिंग हो रहा है क्या? सर मेरा फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, ज्वाइन करो कि नहीं? बिल्कुल कर लो ज्वाइन, ज्वाइन कर लो, क्यों नहीं करोगे ज्वाइन। ममता चौधरी, गुड इवनिंग सर। राजकुमार सर मेरा क्लास मिस हो गया, क्या करूं? अभी यहीं पे एक प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट आप देख लेना, यहीं पे प्लेलिस्ट आप उसको देख लेना राइट, यहीं पे है प्लेलिस्ट आप उसको देख लेना। देखो भाई मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखो, अगर आप इसको चेक करोगे तो ये आएगा 3+10/99 राइट। 99 3 या कितना आएगा, इसको आप सॉल्व करोगे 99 × 3+10/99, तो 99 3 या कितना आएगा 297+397/99। पहले का ये आंसर आया क्या? पहले का ये आंसर आया क्या राइट? मैंने गलत तो नहीं सॉल्व किया? हाँ वाओ राओ वाओ, 307 आएगा, 307 आएगा, 307/99, हाँ 307 आएगा, यस 307 आएगा राइट। डॉक्टर नितिन परिहार भी आज क्लास में है, वाह, जितने भी MBBS कर रहे हैं लड़के सब अब UPSC में लगे हुए हैं। 5+111/999, इसको आप सॉल्व करोगे, बाकी आपको अपना टेंशन है, आप इसको सॉल्व कर लेना। 9 5 या 43, लास्ट में इसका 6 आएगा, कितना आएगा जी इसका? 5106/999, 5106/999, देख लो। सैयद जुमरा मैं तुम्हारा आंसर देख करके लिख रहा हूँ, ठीक है ना बेटा, मैं आपका आंसर देख करके लिख रहा हूँ, कहीं गलत मत कर देना। अब देखो मैं आपको न्यू कॉन्सेप्ट्स की ओर चलता हूँ। देखो जैसे 0.14 के ऊपर, केवल 4 के ऊपर बार है, ध्यान से देखिए सभी लोग, लिखना छोड़ देंगे, राइट डाउन करना छोड़ देंगे राइट, इधर उधर की बातें सुनना बंद कर देंगे, केवल अपनी आँखों को यहाँ पे बिठाएंगे राइट। आजकल का एक राधा कृष्ण अवस्थी, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा राइट, मुझे कॉल कर लीजिए, बता बस सीरियस सच है राइट। देखो पहले के टाइम में एक कहावत हुआ करता था, पता क्या, अभी भी संस्कृत में कहावत है, काका चेष्टा वको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी
विद्यार्थी पंच लक्षण काक चेष्टा मतलब काक चेष्टा मतलब कौए जैसा चेष्टा नहीं काक चेष्टा वको ध्यानम बगुला जैसा ध्यान होना चाहिए। देखते हो बगुला कभी देखा है? अगर आप गांव के रहने वाले देखा होगा आपने बगुला लोग बिल्कुल जो खेत होता है राइट खेत का जो एरिया का जो साइड में एक रास्ता दिया होता है राइट है ना वहाँ पे बैठा रहता है कहीं पे अगर उसको सांप दिखे मतलब टक से जाता है ऐसे उठाता है और खा जाता है तो वही काका चेष्टा वको ध्यान वैसा ही ध्यान आपका इस क्लास में होना चाहिए राइट वैसा ध्यान। स्वान निंद्रा स्वान मतलब कुत्ते जैसी नींद राइट अगर कुत्ते की साइड से गुजरते हो तो खट से नींद खुल जाए कुत्ता कुत्ता उठ के भौंकने लगता है राइट वो 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 ओके कोका चेष्टा वको ध्यान स्वान निंद्रा तथैव च अल्पहारी अल्प मतलब कम हारी मतलब भोजन बहुत कम भोजन करना ग्रह त्यागी घर को त्यागना है यही विद्यार्थी के पांच लक्षण है राइट है ना राइट इनमें से आजकल चलो घर नहीं भी त्यागोगे तो चलेगा राइट लेकिन अल्पहारी थोड़ा जरूर रखना रात को कम भोजन करना चाहिए। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा मेरे बच्चे रात को 7 बजे के बाद खाना खाना ही नहीं चाहिए राइट है ना मैं भी नहीं खाना खाता हूँ ये ध्यान रखना राइट है ना। लेकिन आजकल हमारे क्लास में बच्चे आते हैं काका चेष्टा वको ध्यानम ना करके कन्या चेष्टा कन्या ध्यानम एक कन्या को देखता है कभी उस लड़की को छेड़ता है कभी उस लड़की छेड़ता है लड़की भी परेशान राइट कन्या को ध्यान करता है इसलिए मैं कह रहा हूँ इन सब चीज़ों को छोड़ो थोड़ी देर के लिए ध्यान यहाँ पर रखो राइट थोड़ी देर के लिए देखो तो वन पॉइंट देखो जिसके ऊपर बार है देखो जैसे मान लो कंप्लीट लिख लिया 14 लिख लिया 14 कंप्लीट लिख लिया 14 ठीक है अच्छा जिसके ऊपर बार नहीं है किसके ऊपर जिसके ऊपर बार नहीं है जैसे 4 के ऊपर बार है 1 के ऊपर बार नहीं है तो माइनस का 1 कर दिया डिवाइड बाई एक डिजिट के ऊपर बार है तो 1 बार 9 एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो 1 0 ये हो गया आपका 13/90 आंसर। फिर से समझो जैसे 0.236 के ऊपर बार है तो 236 कंप्लीट लिख दिया जिसके ऊपर बार नहीं है उसको -23 को माइनस कर दिया एक डिजिट के ऊपर बार है तो 1 बार 9 लिखा जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है उतने 0 लिखा राइट तो ये आएगा 213/900 फिर से समझो जैसे 0.123 23 के ऊपर बार है आप क्या करोगे 1 2 3 जिसके ऊपर बार नहीं है उसको -1 कर दो राइट 1 के ऊपर बार नहीं तो 1 माइनस कर दिया 1 दो डिजिट के ऊपर बार है तो 2 बार 9 कर दिया जिसके ऊपर बार नहीं है 1 दिया तो 122/990 है फिर से समझो 0.5678 के ऊपर बार है राइट तो 5678 माइनस का जिसके ऊपर बार नहीं है 567 डिवाइड बाय एक डिजिट के ऊपर बार है तो 1 बार 9 जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है उतना 0 ये आपका आंसर होगा। देखो ध्यान से देखिए राइट वेरी गुड बिन्नू चौधरी सुबी पांडे तादर संजय करीना कुरैसी सैयद जुमरा IAS आशीष डॉक्टर दिलखुश मीना वेरी गुड सृष्टि दीक्षती IAS राइट सत्यम श्रीवास्तव हरिशंकर अग्रणी वेरी गुड सभी लोग सेशंस को इस तरीके से लाइक करके शेयर करते चले ज्वाइन करते चले राइट एजिट क्लियर नेहा चौरसिया राइट नेहा चौरस अभी एक नेहा करके कोई गायिका भी थी ना गायिका भी है ना शायद पता नहीं उसका क्या हो गया उसका डिवोर्स हो गया या क्या हो गया। सर UPSC की सी सेट की आपकी बुक मिल जाएगी क्या? हाँ मिल जाएंगे उसी के लिए तो काम चल रहा है क्यों नहीं। सर आपका जन्मभूमि कहाँ है? अंकित कुमार पूछ रहे हैं। क्या करोगे जान के मेरा जन्मभूमि बताओ? कुछ भेजना है क्या तुमको? ऐसे भी मेरा बर्थडे जो है ना 25 जून को आने वाला है ओके इसे खैर देखो बता तो माफ़ करना मैंने आपको बता के गलती किया। देखो 0.477 के ऊपर बार 0.1277 के ऊपर बार 0.2356 जिसमें 56 के ऊपर बार आराम से सोचो आराम से सॉल्व करो। सर आप पूरा सी सेट इधर ही कराओगे? तुम अभी पढ़ना शुरू किए हो हैं मैं बोल रहा है कि मैं कराऊंगा जिस तरीके से आप लोग लाइव आते हो मुझे मजबूरी भी मुझे सब कुछ कराना पड़ेगा। देखो ऐसा होता अगर ठीक है
तो मैं आपको एक लेक्चर फ्री देता, दो लेक्चर फ्री देता, तीन लेक्चर फ्री देता, चार लेक्चर, मैं यहाँ पे टोटल आज 17 लेक्चर फ्री दे रहा हूँ। ये भी तो आप देखो, ये भी तो आप देखो मेरे प्यारे बच्चे। और इतना ही नहीं, कल से हम आप सभी के लिए ये सेशंस की भी तो लेके आ रहे हैं। आपको पता है, आपको तो पता ही नहीं होगा, राइट है ना, आपको तो पता ही नहीं होगा। ये देखो कल से EPFO की सीरीज भी आ रही है, राइट है ना, कल से आपका EPFO का सीरीज आ रहा है, सीसैट बाय संजय कुमार शाह, राइट, फ्री डेली एट 12 PM, राइट है ना, ये ध्यान रखना, राइट, EPFO प्रिपरेशन बाय मी, राइट, 12 PM में आएगा, राइट, ओके। रुद्रा केसर, आप मेरे लिए गॉड के रूप हो। सर मैं दिन भर वर्क करता हूँ, रात को आपका क्लास करता हूँ। डियर सर प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फ्री क्लास क्लोज मत करना। कभी नहीं करूँगा क्लोज, राइट, कभी नहीं करूँगा, राइट, कभी नहीं करूँगा सर। आगे भी देंगे फ्री लेक्चर फुल सी सेट का, हाँ क्यों नहीं देंगे, देते चलेंगे। UPSC वाले भी EPFO देख सकते हैं क्या? हाँ भाई, क्यों नहीं देख सकते हैं, सब देख सकते हैं। EPFO क्या है इसको ये बताओ। सर पार्टी देना, हैप्पी बर्थडे सर, ठीक है ले लेना पार्टी, ठीक है। संध्या, ओके, आराम से सभी लोग सेशंस को लाइक कर दे, राइट। सर आप दिल्ली में ऑफलाइन पढ़ाते हो, ऋषभ कह रहे हैं, बिल्कुल। सर कल ऑनलाइन लेक्चर कितने बजे से है? सर कल से EPFO बैच, वाओ, एडवांस में हैप्पी बर्थडे। सर आप कान प्रीलिम्स करो, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, राइट, EPFO, राइट, एंड कल से इसका सेशन है। चलो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, जो मैंने आपको दिया है इसका आंसर आप लोग बताइए, इस तीन क्वेश्चंस का आंसर बताइए। आराम से राइट डाउन कीजिए, आराम से सोचिए, फिर आप उसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, राइट, ओके। घनश्याम लीलावत, वेरी गुड, वेरी गुड। सर मैं मिडिल क्लास से हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। राइट, ओके, ओके। सो द पॉइंट इज दैट हाउ यू विल सॉल्व दैट क्वेश्चंस, राइट। जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हो तो आफ्टर दैट यू शुड हैव टू बी पुट द आंसर इन कमेंट सेक्शन, राइट। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज क्लास में इतने सारे बच्चे लाइव हैं, राइट, बहुत सारे बच्चे, वेरी गुड, थैंक यू, कम ऑन प्लीज। यस सृष्टि, देखो 0.47 के ऊपर बार है, राइट, सो यू कैन सी हियर हाउ यू विल राइट हियर वंस अगेन कम्प्लीटली 47 एंड 4 के ऊपर बार नहीं, सो यू शुड हैव टू बी सब्सट्रैक्ट माइनस 4 एंड 7 9 एक डिवाइड 0, राइट, इट बिकम्स योर 43/90। यू नो दिस क्वेश्चन इज इन NCERT, दिस क्वेश्चन इज इन NCERT, कम्प्लीटली दिस क्वेश्चन इज इन NCERT, राइट, सो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड यूल गेट द आंसर, ओके, इज इट क्लियर? यस, प्रवीण गुप्ता क्या हालचाल है, इसका बताओ, इसका कितना आएगा? 127 माइनस का 12/900, ये आएगा 115/900, 523/180, राइट, इसको करेंगे 2356 माइनस का 23/99, राइट, आप इसको सॉल्व करिए, इज इट क्लियर? बात समझ में आ रही है? हिमांशी, सजाउद्दीन, गुलफाम खान, रानी कुमारी, ऐनुल अंसारी, राजकुमार, खुशी अग्रवाल, ओके, सत्यम पांडे, बबलू सम्राट, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। चलिए अब मुझे लग रहा है कि आप लोग सॉल्व कर पा रहे हैं, अब आप सॉल्व कर लोगे अच्छे तरीके से, कितना भी टफ क्वेश्चंस होगा बहुत आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे, राइट। अब मुझे लगता है कि शायद आपको किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा, राइट। आपको UPSC का क्वेश्चंस दिखाऊं, राइट है ना, 1.103 के ऊपर बार है, बताओ तो सॉल्व करके, 2.35 के ऊपर बार है, इसको सॉल्व कीजिए, आराम से सॉल्व करो, आराम से, राइट।
सर मैं पूरा सिलोलिज्म आपके पुराने लेक्चर से कर लिया हूँ और बहुत इजी लगा। बहुत अच्छा सत्यम पांडे, ये तो बहुत अच्छा काम किया। अभी टेंशन मतलब इस बार और भी अपडेटेड पढ़ाऊँगा, राइट है ना। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कल पढ़ा, मैं आपको पढ़ाने के लिए, देखो मैं आपको पढ़ाने के लिए मैं अपने टाइम का जो IIT JEE होता था उसका CDS हो गया, NDA हो गया, CAPF हो गया, SSC मेंस हो गया, SSC मेंस हो गया, और भी बहुत सारे NTSC KBPI ऐसे अदर एग्ज़ाम्स हैं। इन सभी एग्ज़ाम्स के PYQ को मैं खुद पढ़ के आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, कि भाई UPSC कैसे आखिर सोच सकती है। कैट हो गया, कैट तो मैं बताना भूल ही गया, कैट का बुक तो मैं अभी ये पढ़ रहा था, ये देखो ना अभी ये पढ़ रहा था कैट का, ये देखो ये देखो ये देखो ये आपके सामने कैट दिख रहा है, सबको दिख रहा है, विजुअल हो रहा है, सबको विजुअल हो रहा है, देखो आप सबको ये कैट हो गया, राइट है ना। इतना ही नहीं, फिर देखो ना ये देखो ना ये देखो ना, फिर ये असिस्टेंट कमांडेंट हो गया, इसका PYQ देखो, राइट है ना, फिर ये आपका CDS हो गया, राइट है ना। देखो आपके पास सीट, देखो नई बुक बिल्कुल न्यू लेके आया हूँ, ठीक है। अब क्या करूँ, आपको क्या लगता है कि ऐसे मास्टर मजाक में कुछ भी करा रहा है, राइट है ना। इतना ही नहीं, अगर मैं CDS की ही बात करूँ तो इसमें देखो मैं आपको दिखाता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ से कहाँ तक है। मैं आपको CDS में ही बात करता हूँ, देखो इसमें जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है ना, इसमें जो है ना आपका, इसमें जो है ना आपका 2016 से दिया हुआ है, इसमें 16 से दिया हुआ है, राइट। और इसमें देखो ये देखो एक और है, इसका पुराना वर्जन एक और है, ये ओल्ड वर्जन है, ये ओल्ड वर्जन है। इसमें जो है ना, इसमें आपका कब्ज कहाँ से दिया हुआ है, इसमें आपको 2016 से पहले का सारा दिया हुआ है। मैं ये चाहता हूँ कि एक्चुअली मैं खुद भी आपको पढ़ाएँ, और भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट है ना। तो आप उसकी टेंशन मत लो, अगर आप लाइव में आ रहे हो पढ़ने के लिए, राइट है ना, तो मैं आपके लिए भी बहुत मेहनत करके आ रहा हूँ, राइट। इसलिए और मैंने आपसे वादा किया था, याद है, मैंने आपसे वादा किया था कि हम आपके लिए NCERT पढ़ाएंगे, याद है ना, NCERT, राइट। NCERT आपको पढ़ाने के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ये देखो NCERT में पढ़ रहा हूँ आपके लिए, आपके पढ़ाने के लिए, ये देखो अच्छे तरीके से, जो मैंने पढ़ा था पुराना हो गया था, आज मैं फिर से न्यू लिख रहा हूँ, बिल्कुल 6th क्लास से NCERT स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल 6th क्लास से सारी चीज़ों को लिख रहा हूँ। इसी में से आपका प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन करा दूँगा, जितने भी प्रीलिम्स में PYQ आए हुए हैं ना, प्रीलिम्स में PYQ जो आए हुए हैं, राइट है ना, वो आपका सॉल्व हो जाएगा, मेंस का हो जाएगा थॉट प्रोसेस, आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम आती है वो हो जाएगा, राइट। बड़े बड़े बुक पढ़ने के पीछे मत भागो, बड़े बड़े नोट्स पढ़ने के पीछे मत, इन्हीं सब चीज़ के लिए तो कोचिंग वाले हैं ना, 2-3 लाख रुपये लेते हैं महीने आपसे, है ना, और आप खुशी खुशी दे देते हो, राइट। अगर मैं अभी भी कर रहा, देखो, और आपके अंदर जोश और जुनून है ना पढ़ने के लिए, राइट है ना, तो केवल और केवल एक मेंटोरशिप, राइट, प्लस आप NCERT, मेंटोरशिप भी आपके पास ऑथेंटिक होना, जो आपसे पर्सनल टच होना चाहिए, राइट, और आप केवल टेस्ट सीरीज करके आप UPSC एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, आप UPSC एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, ये ध्यान रखना, राइट। UPSC हो चाहे USSC, चाहे UPPCS हो, BPSC हो, RAS हो, MPSC हो, किस किस स्टेट से बात कर रहे हो, राइट, JPSC, आप सभी एग्जाम को कर सकते हो, राइट। किस किस स्टेट से आप बिलोंग करते हो, किस किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, मायूक, राइट, ओके, फ्रॉम विच स्टेट्स यू आर। तो आपके लिए मैं और अच्छे तरीके से मैं न्यू NCERT भी रीड कर रहा हूँ, करूँगा NCERT सीरीज। देखो 1+ ये करोगे तो 103 - 10/900, राइट, इसको करोगे तो 1+ ये करोगे कितना आएगा, 93/900, 993/900, ये आपका आया पहले का है 993, राइट। पंजाब, हाँ, पंजाब PCS हो गया, छत्तीसगढ़ PCS हो गया, कानपुर वाले भैया, हरियाणा वाले, महाराष्ट्र, बिहार, बक्सर से हो, श्रीकांत, राजस्थान, जब आपका फ्री लेक्चर नहीं आया था मैं दूसरे से, सर बिहार बेगूसराय से हो, कि हालचाल छे रे बेगूसराय वाला, हालचाल ठीक छे। NCERT कब से स्टार्ट करेंगे सिमरन, बस थोड़ा सा EPFO का एग्ज़ाम हो जाने दो, मुझे लगता है ऐसा EPFO का एग्ज़ाम हो जाने दो ना, राइट है ना, ये 8-9 दिन 10 दिन और रुक जाओ, 8-9 दिन 10 दिन और रुक जाओ, उसके बाद है ना आपका NCERT का सीरीज आपका स्टार्ट हो जाएगा, राइट। 8-9 दिन 10 दिन और रुक जाओ, इसी बीच में हो जाएगा, राइट, बिहार मुंगेर से, खूब बढ़िया, राइट है ना, करा दूंगा, थोड़ा सा रुक जाओ, राइट है ना, उसके लिए और भी चीज़ें ज़रूरत है, राइट।
उसके बाद देखो, फिर से देखो, 2.35 बार है, राइट, है ना। इसको करोगे तो 2 प्लस 2 प्लस 35 माइनस का 3 90, तो ये 2 प्लस 32 बाई 90 जा 180 प्लस 32 बाई 90, तो 18 3 21 212 बाई 90, 2 2 4 1 5, ये आएगा आंसर आपका, राइट, 212 बाई 90 आंसर आया आपका सबका। चलिए बहुत अच्छी बात है, जियो मेरे शेर, वाह 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 वाह, देखो 2.15555555, एक क्वेश्चन से रहा, 5.16262622, बताइए आराम से बताइए, उसके बाद सीधा हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डील करेंगे। ठीक छे सर जी, तुम्हारा आशीर्वाद सब अच्छे रहते हैं सर जी। न्यू बस चैन पूनम मौर्या, व्हाट सर, मुझे इस साल लास्ट सेमेस्टर में है, मेरे लिए कोई बेहतर होगा, मैं कब तक पढ़ूं। करीना कह रही है, कृषि कह रही है, मैं भी वहीं रहती हूँ। कहाँ रहती हूँ करीना? रीतिकर सर, EPFO कहाँ बारे मुझे पता, EPFO के इसी चैनल पर होगा, इसी चैनल पर होगा, राइट। टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करो, मेट्रो स्टेशन, कौन सा मेट्रो स्टेशन, बिहार से कोई है, पूरी धाम। सर ये पैनल कितने का है? ये देखो, ये ढोको लोलो है, ये पैनल कितने का है? पढ़ाई करने से मतलब है कि तुमको पैनल से मतलब है, राइट, है ना, है। गाजियाबाद, वेरी गुड, जहानाबाद। सेशंस को सभी लोग लाइक करिए, शेयर कीजिए, टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करना है, CSAT बाई संजय कुमार सा, पता है ना, अभी 11:30 बजे से। ऋतिक और यह जो जो इम्पॉर्टेंट है ना, मैं वही चीज़ कराऊंगा, राइट। अभी आपकी क्लास अनअकैडमी के ऐप पे भी है, फ्री में क्लास है, राइट, फ्री में क्लास है। सेशंस को लाइक करके डिस्क्रिप्शन में देखोगे, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे, लिखा है ना कि आप यूज कोड SKS10 अनलॉक फ्री स्पेशल क्लास ऑन प्लेटफॉर्म एंड ऑल्सो गेट एक्साइटिंग ऑफर ऑन सब्सक्रिप्शन टूडे। फ्री क्लास देखने के लिए एजुकेटर्स बेस क्लास पर क्लिक करोगे या मेरे प्रोफाइल पर क्लिक करोगे, अनलॉक कोड SKS10 पुट करोगे और आपको वो सारी की सारी चीज़ें दिखना शुरू हो जाएगा। आराम से करो सॉल्व, आराम से। स्वाति बिसेन सर, कब प्लस कराते हो प्लीज़ सर बता देंगे। स्कूल में ऐसे मैथ्स पढ़ाते थे तो टॉप कर जाते, वाह। देखो इसको आप लिखोगे क्या है, 2.15 के ऊपर बार, तो 2 प्लस 15 माइनस का 190, 2 प्लस 14 बाई 90, 90 टू जा 180 प्लस 14 बाई 90, ये आएगा आपका 194 अपॉन 90। आगे बात समझ, 194 अपॉन 90, इज इट क्लियर? सर आंसर ऑलरेडी दे दीजिए, दे दिया, प्लीज चेक। 194 बाई 90 आया आंसर पहले का, राइट। अब आप इसका देखो, 5 प्लस 162 के ऊपर बार, क्योंकि 62 रिपीट है, 5 प्लस 162 माइनस का 1 अपॉन में 990, राइट, तो 5 प्लस 161 बाई 990 करो कितना आएगा, ये आएगा आपका 4950 प्लस में 161 डिवाइड बाई 990, तो ये आएगा आपका, ये कितना आएगा, 1 6 5 11 9 10 1 11 6 9 10 11 4 5 5 ट्रिपल 1 बाई 990 है ही आंसर। सर प्लीज़ ये सब वीडियो डिलीट मत करना, नाइन सेशन बिल्कुल डिलीट कर देंगे, है ना, आप कह रही हो तो। जिसको भी समझ में आ रहा है इस कोड को यूज करें, SKS10 कोड की ऐसी है माया, जिन्होंने गांव के बच्चों को भी है सिलेक्शन की सूट है पहनाया, SKS10 और एक है आपका SP शाह,
इस रेफरल को, एक ये और एक ये, एक कोड है SKS10, एक है SPISA, ओके, ये आप ध्यान रखिए। राइट, इज इट क्लियर? अब देखो मैं आपको, अब अभी जो आप जो पढ़ रहे हो, राइट है ना, अब जो आप जो पढ़ रहे हो तो यही चीज़ से देखो आपको कितना बेनिफिट मिलने वाला, राइट, इसी चीज़। अब देखो UPSC ने कैसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे आपके एग्ज़ाम में, ये मेरा क्वेश्चंस नहीं है, राइट, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाने का मेन वजह हमारा UPSC है, राइट। UPSC जहाँ जहाँ जिस जिस एरिया में जाएगी, राइट है ना, हम आपको वो एरिया करा देंगे, राइट है ना, ताकि UPSC की भी इतनी औकात नहीं है कि आपको हिला सके, राइट है ना, लेकिन तुम्हारी तो इतनी औकात है कि तुम उसको हिला सकते हो। किस ईयर में पूछा गया था जी, किसी को पता है? आई थिंक 2020 में ही पूछा गया था ना, कि 21 में अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था रिसेंटली, किसी को पता है यार? 1.27 बार वाला क्वेश्चंस था, ईयर किसी को पता है? राइट, हाँ, यस, ये देखो क्वेश्चंस, आई थिंक आपको ये क्वेश्चंस विजिबल हो रहा होगा, ठीक है, ये देखो, आई होप, मुझे लग रहा है कि शायद आपको विजिबल हो रहा होगा। देखिए रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 1.277 इज इक्विवेलेंट टू, ये लो, आराम से सॉल्व करो, आराम से। देखो जो भी बच्चा देख रहा है लेक्चर, प्लीज़ मेरे बच्चे सेशंस को लाइक तो ज़रूर करेंगे, हमेशा लाइव ही अटेंड करेंगे, मैं बार बार कहता हूँ, लाइव क्लास अटेंड करने से आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, बहुत बेनिफिट होने वाला है, राइट है ना सर? क्वेश्चंस में कब प्लस और कब माइनस करेंगे हैं प्लीज़ बता दीजिए, माइनस तो कभी करते, प्लस माइनस कब करेंगे, तो बेसिक चीज़ें हैं, आप मुझसे पूछो ना, आप मुझसे पूछो, मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। गुरुजी मैं कोई पेड कोर्स नहीं लिया हूँ, मैं बस आपके भरोसे हूँ। ओ माय गॉड, तो पेड कोर्स, अभी जो है आपकी क्लास है, राइट है ना, अभी आपकी क्लास है, ये बात आपको पता है कि नहीं पता है? फ्री क्लास है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए नंबर से जितना कराया हूँ, PM में है अनलॉक कोड जो है ना, आप मुझे अनअकैडमी के ऐप पे फॉलो करके मेरा जो कोड है ना SKS10 लगाएंगे तो आप फ्री में देख लेंगे। आप फ्री में देख लेंगे, राइट, जो भी टेलीग्राम में ज्वाइन किया है CSAT बाय संजय कुमार से उसको दिख जाएगा वहाँ से, या जो बच्चे मेरे व्हाट्सएप पे हैं आप अपना नंबर सेव करवा के वहाँ से आप देख सकते हैं, कहीं से भी। हेलो सर, थोड़ा लेट क्लास लीजिएगा, श्वेता वाराणसी वाली फ़ोन कर रही है, हेलो सर थोड़ा लेट क्लास लीजिएगा CSAT का प्लीज़ सर, क्योंकि सर मैं आता चक्की चला रही हूँ, 80-90 kg पिसना है सर, जल्दी खाली होकर क्लास में भी आ जाऊँगी। ओ माय गॉड, क्या बात है, क्या बात है, आटा चक्की पिसने वाले बच्चे भी हैं।
चलिए देखिए, ध्यान से देखिए सर, आपका चैनल टेलीग्राम में गुरुचि सी सेट, हाँ समझ में आ रहा है सबका? क्या आंसर आ रहा है? आंसर इसको काट पीट भी तो करो, अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल भी तो करो। एक ढोको लो रखा रहा है कमेंट सेक्शन में 127/99, कौन से दुनिया से आए हो यार हैं। तो नेहा कुशवाहा कह रही है बी ऑप्शन, तालीस तस्लीमा खातून कह रही है ए ऑप्शन, राइट बिल्कुल ले लो। सनोज सोनी बिल्कुल ले लो, आप लेने का प्लान कर रहे बिल्कुल ले लो, राइट बताओ। सपना मेधव मोधीवाल कह रही है सी ऑप्शन, तुम कौन सी दुनिया से आई हो, राइट है ना। इतना प्यार से पढ़ाने के बाद कौन सी दुनिया से आई हो, राइट है ना। इतना प्यार से पढ़ाने के बाद कौन सी दुनिया से आई हो, राइट ओके। देखो 1+27/99, 99+27/99, राइट 126/99, राइट देखो 1+27 के ऊपर बार है तो 27/99, 99 1 जा 99 प्लस 27 126/99, 126/99 नहीं है, राइट 9 से कैंसिल करोगे 9 11 और 9 14, तो 14/11 योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी आंसर, राइट योर ऑप्शन नंबर बी आंसर। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर टू योर राइट, इज इट क्लियर, यस या नो, मेरी बात सबको समझ में आ रही है, मेरी बात सबको समझ में आ रही है, राइट। अब कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, अरे वाह मज़ा आ गया। देखा प्रीवियस ईयर के पैटर्न पे ही क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ, कल मैं इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा और करा दूंगा, जहाँ से यूपीएससी एडिशन के फॉर्म में पूछ सकती है, सब्सट्रैक्शंस के फॉर्म में पूछ सकती है, मल्टीप्लीकेशंस के फॉर्म में पूछ सकती है, जैसे 8.7 बार + 4.3 बार, राइट 8.7 बार - 4.3 बार, 8.7 के ऊपर बार - × × समथिंग करके, राइट इस तरीके से पूछ सकती है, राइट। तो मेरे प्यारे बच्चे घबराना नहीं है, राइट बस ये ध्यान रखना है कल CPFO के फ्री सीरीज 12 बजे आ रही है, अन अकेडमी के ऐप पे आ रही है, राइट है, सॉरी अन यहीं पे आ रही है, यूट्यूब पे ही आ रही है, राइट सबके लिए फ्री होगा, राइट है ये ध्यान रखना, राइट। बाकी मेरे प्यारे बच्चे कैसा लगा ये सभी को सेशन, राइट अन अकेडमी से को किसी को भी कोई भी कोर्स ज्वाइन करना है, राइट है ना, प्लीज़ यूज माई रेफरल कोड SKS10। अभी जस्ट क्लास फ्री 11:30 PM पे अन अकेडमी के ऐप पे प्रैक्टिस जितना मैं करा चुका हूँ उसमें से कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। सभी लोग सेशंस को लाइक और शेयर जरूर करें, राइट, और बहुत अच्छा लगता है। सभी लोग 10 PM हमेशा लाइव आए, राइट 10 PM आप जरूर लाइव आए। आज के क्लास आपको लगा कुछ यूनिक, राइट आप उसको प्रैक्टिस करोगे, किसी भी लेवल का क्वेश्चंस देखना, राइट। बाकी अगर कोई बच्चा कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाह रहा है, प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू के कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाह रहा है, 50+ टॉप एजुकेटर, सभी एजुकेटर जितने भी एजुकेटर देख रहे हैं इस टी शर्ट को पहने हुए अन अकेडमी पे, सभी आपको पढ़ाएंगे। 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन रहेगा, 4 मंथ्स फ्री लेंगे, 18 मंथ्स का रहेगा तो आपको 6 महीने फ्री मिलेगा ये ऑफर में, 2 या 3 साल का लोगे तो 2 साल फ्री होगा। बस आपको अन अकेडमी से कोई भी कॉल आता है या ज्वाइन करें इसी कोड का यूज करें SKS10, अगर आप में है मेहनत करने का हुनर तो जरूर बनना रेफरल कोड SKS10 कोड का यूजर, डिस्काउंट मिलेगा, राइट। और आपको मेरे साथ हैंड होल्डिंग सपोर्ट, पर्सनली आप मेरे से बात कर सकते हैं, आप कनेक्ट हो सकते हैं, मेरे गाइडेंस में प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट, लेकिन वही करना जो बहुत सीरियस हो, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए सभी लोग। कौन कौन आज शेयर करेगा, कौन कौन आज शेयर करेगा? जी सर बहुत ही यूनिक लगा, और कोई किसी को कुछ पूछना है? अरे वाह सर, सर एक डाउट है 0 वाले टॉपिक में, क्या डाउट है, राइट है ना। कृष्णा जी आप पूरी सो गए? हाँ यार पूरी करीना दी आप गाजियाबाद में कहाँ, पढ़ाई पे करो ना गाजियाबाद में, करीना कहाँ की बोल तो नहीं, मेट्रो स्टेशन के आसपास रहती है। और किसी को कुछ पूछना है? इरशाद अहमद सर आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, ओके यू आर फ्रॉम वेस्ट बंगाल, और किसी को कुछ पूछना है? अबे गुड नाइट सर, अनलॉक नहीं हो रहा है सर अन अकेडमी वाली क्लास, कैसे नहीं होगा अनलॉक? अब अन अकेडमी आपको डाउनलोड किया है ना, वहाँ पे है ना मेरे क्लास का लिंक देखो, मेरे टेलीग्राम में पहले जाओ, सबसे पहले चले जाओ CSAT बाय संजय, उसको क्लिक करना, वहाँ से डाउनलोड करना, फिर उस लिंक पे क्लिक करना, अनलॉक कोड जो रहेगा रेफरल कोड वहाँ पे SKS10 टाइप कर देना है, SKS10 आपको फ्री में देखना शुरू हो जाएगा। अभी जस्ट मैं आऊँगा 11:30 बजे लाइव, 10 मिनट बाद आऊँगा। और चलिए थैंक यू, लाइक शेयर जरूर करिए, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, थैंक यू।